कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? होपफुली ठीक ठाक हो गए। अच्छा, आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज ऑन द बेसिक टूल्स एंड ऑपरेशंस इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये लास्ट हमने लेक्चर में शुरू किया था और हमने देखा था उसके बारे में कि इक्विपमेंट फॉर मेजरिंग मासेस, एनालिटिकल बैलेंस की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी और उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के बाद हमने उसके डिफरेंट नॉर्म्स देखे थे कि मेजरिंग करने के लिए अच्छे रिजल्ट्स को, एररलेस रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बेसिक जो चीज है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए। हमने हर काम को कहाँ से शुरू करना होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपके पास चाहे वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं या आपके पास इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड है, हमें सैंपल को मेजर करना पड़ता है और मेजर करने के लिए हमें बैलेंस की जरूरत होती है। तो नॉर्मली हम जौन सा वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को यूज करते हैं। हमने डिफरेंट टाइप पढ़े थे, माइक्रो बैलेंस, मैक्रो बैलेंस और जो आपका मैकेनिकल बैलेंस है। तो जो लेटेस्ट हम यूज करते हैं डेट इज द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस दो तरह का है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में बेसिकली क्या होता है कि जो बैलेंस पैन है, ये जो बैलेंस पैन है इट इज ऑन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, बेसिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर बैलेंस पैन जो है वो पड़ा हुआ होता है और दैट बेस हम उसको टेयर करते हैं वो जीरो जीरो ऑटोमेटिकली हो जाता है और फिर हम उसको प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। हमें जिस भी ग्राम्स में, मिली ग्राम्स में जो भी हमारे पास लेवल की चाहिए होगी हम उसी लेवल का इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने आपसे जो बुक आपको बताई थी वो मैंने आपके साथ आज व्हाट्सएप पे उसकी शेयर कर दी है, लिंक आपको बल्कि डाउनलोड करके दे दिए। ठीक है, वो आप डिटेल से अगर आपने स्टडी करना है और जिसमें कि हमें कौन किन चीजों को ख्याल रखना है, वो जो प्रैक्टिकल की क्लास होगी ना वो हम डिटेल से मैंने कहा हम उसमें कर लेंगे, अदरवाइज बहुत लेंथी कोर्स हो जाना था। इसको करने के लिए मैंने आज ये नोट्स आपके साथ ये शेयर भी करती हूँ मैं आपके साथ, तो इसमें थोड़ा सा समराइज किया हुआ है, उसी बुक्स के बने हुए नोट्स हैं, तो आप इससे थोड़ा सा ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा और जिसने वहां से ज्यादा डिटेल करनी हो तो वो रेफरेंस बुक भी मैंने आपको वहां पे व्हाट्सएप कर दी। ठीक है, अच्छा इसी को थोड़ा सा जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने मेजरिंग करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है। बैलेंस, बैलेंस कौन सा है, वो लेटेस्ट कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। क्या मैंने अभी बताया है कि इसमें जो बैलेंस पैन है, ये जो बैलेंस पैन है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में वो इट इज प्लेस्ड ओवर अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। और अनदर टाइप जो होती है बैलेंस की, जो हम रोजमर्रा हर शॉप पे देख रहे होते हैं, दैट इज द मैकेनिकल बैलेंस। ठीक है, ये उसने बेसिकली डायग्राम ड्रॉ की है जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, ये बैलेंस पैन है, ये बैलेंस पैन है, आप इसके ऊपर रखते हैं, जैसे ही इसको मेजर करने के लिए रखते हैं यहाँ से लाइट सोर्स इसको डिटेक्ट करता है कि आपके पास कितना बैलेंस आपने रखा है। यहाँ से कंट्रोल सर्किट है ये, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वोमीटर है कि अगर इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा तो ये जो सा बैलेंस है ये यहाँ से ये इसका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और यहाँ पे लाइट सोर्स कौन सा है वो डिटेक्ट जीरो जीरो करती है। ठीक है जी, तो अगर आप इसके ऊपर कुछ, जब भी हम कोई मेजर करने के लिए बीकर को, किसी भी केमिकल को रख देते हैं तो फिर क्या होता है कि यही लाइट जो है वो डिटेक्टर पर पड़ के तो हमारे पास यहाँ पे इन नंबर्स बहुत इजीली हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आपने इसमें नॉर्म्स पढ़े थे कि हाथ से हाथ नहीं लगाना है, ऐसी जगह पे करना है कि ऊपर उसको डायरेक्ट जोन सी है वो उसके ऊपर एयर से डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को हमने इस तरह से कवर के अंदर होता है एक तरफ इसका, बाकी चारों तरफ इसके ग्लास होता है और एक तरफ से हम इस पे आसानी के साथ स्पैचुला की मदद से या इसको किसी ट्वीजर की मदद से हम यहाँ से सैंपल्स को निकालते हैं या इसके अंदर डालते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बाद हमने क्या करना होता है, सैंपल का क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं ना, तो सोल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास क्या चीज होती है, सोल्यूशन किस तरह से हम बनाते हैं, सोल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या, कौन से इक्विपमेंट हमारे पास है। ठीक है, तो इक्विपमेंट आप सबको पता है हमारे पास इसको हम कहते हैं इस जो आप ग्लास का इक्विपमेंट यूज करते हैं इसको हम ग्लास वेयर कहते हैं। ये दिस इज द वर्ड GLASS ग्लास WARE। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट यूज अ वैरायटी ऑफ ग्लास वेयर टू मेजर वॉल्यूम। आपने जो सैंपल लिया उसका सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन करेंगे तो पहले वेट था ग्राम्स में, मिलीग्राम्स में था, अब ये वॉल्यूम में आ गया लीटर, मिलीलीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर।
इन जो है यूनिट्स में हम इसको यूज करेंगे, और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ग्लासवेयर। ग्लासवेयर डिफरेंट टाइप का होता है। सपोज अगर आपने स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है ना, तो स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ये जो आपके पास फ्लास्क है इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। और जो आपके पास ये जो था ये इसको क्या कहते हैं, अच्छा यहाँ पे बीकर नहीं है ना, मैं लिखा था, हाँ ये जो है ये दिस इज द बीकर, ठीक है। और अर्लनवेयर फ्लास्क होती है जो 250 ml की, इधर कहीं शायद हो या कहीं आगे आएगी, ये यहाँ पे नहीं, ये बीकर ही है, चले आगे शायद कहीं फिर आए, मैं आपको नुमेरिक वो प्रैक्टिकल में दिखा दूंगी। अर्लनवेयर फ्लास्क भी कहते हैं। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होने चाहिए कि नेम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो इस तरह की फ्लास्क होती है, ये देखिएगा, हाँ ये जो फ्लास्क है इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या है कि इसमें हम एक ही वॉल्यूम को, अगर सपोज ये फाइव यहाँ पे लिखा है 500 ml, तो यहाँ पे एक इसके यहाँ पे एक मार्क होगा, यहाँ तक अप टू डेट मार्क आपने आपने इसके अंदर अपना सोल्यूट डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, उसके अंदर थोड़ा सा वाटर डाला, इसको आपने मिक्स किया, जब वो सोलिबलाइज हो गया तो आपने इसको हाथ से सोलेबल भी किया, शेक भी किया जा सकता है जैसे कि ये कर रहे हैं, लेकिन आप इसके अंदर मैग्नेट बार डाल के और इसको हॉट प्लेट पर रख के भी बहुत अच्छे से सोलिबलाइज होना चाहिए कि अनसोलेबल ना रहे कोई भी इसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल, क्लियर सोल्यूशन बने, ठीक है। तो उसके बाद अप टू डेट मार्क, इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर सिर्फ 500 ml जो उसके ऊपर मेंशन है, ठीक है, प्लस माइनस इसमें हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये नॉर्मली टेम्परेचर हो रहा होता है, इस पे हमारा रूम टेम्परेचर 20 से 25 के दरमियान होता है। तो दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इन डिजाइन टू कंटेन अ स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एट अ स्टेटेड टेम्परेचर यूजली 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो एक तो ये हमारे पास ग्लासवेयर है क्या करने के लिए, सोल्यूशन बनाने के लिए। अगर आपको यही सोल्यूशन मैं कहती हूँ कि 500 ml आप इसको प्रिपेयर करें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, तो आप क्या करोगे, अगर सपोज कि आप ये इस तरह के बीकर में करते हो, ये भी 500 ml का, यहाँ पे भी थोड़े थोड़े से मार्क्स लगे होंगे, लेकिन वो स्टैंडर्ड मेथड नहीं है बीकर के अंदर, बीकर इतना स्टैंडर्डाइज नहीं होता, अर्लनवेयर फ्लास्क इतनी स्टैंडर्डाइज नहीं होती, तो एररलेस रिजल्ट लेने के लिए, मोर प्रिसाइज एक्यूरेट लेने के लिए कहाँ से शुरू करना है आपने, मेलम वाइंग ठीक होनी चाहिए, उसके बाद जो सोल्यूशन बनाना है मोस्ट प्रायोरिटी आप इसको ये करें कि आप इसको यूज करें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क सोल्यूशन बनाने के लिए। ये 5 लीटर की भी मिलती है, लीटर की भी होती है, 250 ml की भी होती है, तो आपने जो सोल्यूशन प्रिपेयर करना है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्रिपेयर करना है। उसके बाद क्या करना होता है, आपने उसमें से आपको कहा जाता है, सपोज टाइट्रेशन कर रहे हो आप, तो आपको कहा जाता है कि 10 ml ले लें, आप सोल्यूशन का 10 ml बना लें, या स्टॉक सोल्यूशन से आप फर्दर डाइल्यूशन तैयार कर लें। तो अब जो आपने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनाया है, जो स्टॉक सोल्यूशन बनाया है, उसको कन्वर्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे, जो ग्लासवेयर, अब ये भी ग्लासवेयर भी है, ये इंस्ट्रूमेंट भी हम इसको कह सकते हैं कि पाइपेट। पाइपेट इज यूज टू डिलीवर अ स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। अब आपसे कोई पूछेगा पाइपेट, व्हाट इज पाइपेट, तो आप लोगों के जहन में तो होगा लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि हम इसको डिस्क्राइब कैसे करें। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में यही है कि ये बेसिक टूल से लेकर फ्रॉम वेरी बेसिक ट्रेडिशनल ग्लासवेयर अपरेटस से लेके जो हाई फाई आपका जो GCMS है, और जो इसके अलावा आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, या आपका एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, सब एनालिटिकल टूल्स है, ठीक है जी। और इसमें से किसी को हम नहीं कह सकते कि कोई एक जो उसके किसी की अहमियत कम है या ज्यादा है, बेसिक टूल्स को भी हमने, अगर हम इसको इनको अहमियत देंगे, इनके बारे में पता होगा, इनका 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 यूज ठीक होगा, तो हम जो है हाईटेक इंस्ट्रूमेंट से भी सही रिजल्ट ले सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट जितना भी जो है वो सेलेक्टिव हो, सेंसिटिव हो, एडवांस्ड हो, जब तक हमें उसकी हैंडलिंग ठीक नहीं होगी वो इंस्ट्रूमेंट एररलेस रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है जी। तो पाइपेट कौन से हैं, वो ये दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइपेट्स हैं। मकसद इसका क्या है कि ये डिलीवर करता है स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सेवरल डिफरेंट स्टाइल्स जो है वो ये डिलीवर्ड पाइपेट, अब इनके डिफरेंट नेम्स हैं, इसको हम कहते हैं ये जो ए है आपके पास, ये वाला पाइपेट, ये यहाँ पे मार्क लगा, ये सपोज ये 1 ml का है या 0.1 ml का है, हर इसी तरह मैंने भी बताया कि आपके पास जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है इस तरह से, इस वाले पाइपेट का जिसका कि क्या नाम है,
दिस इज द ट्रांसफर पाइपेट, इसको हम कहते हैं ए को ट्रांसफर पाइपेट। ये भी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम को ट्रांसफर करता है। अगर मुझे पता है कि मैंने जो है वो एक दफा में मैंने 1 ml लेना है या 0.5 ml लेना है, तो ये यहाँ पर इसका मार्क लगा, यहाँ तक फिल करके मैं सारा ट्रांसफर कर दूंगी अपनी अल्टरनेट फ्लास्क में या अपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, ठीक है जी। और ये वाला दिस इज द मैयरिंग पाइपेट, इससे हम मैयर कर रहे हैं कि हमें एक दफा 1 चाहिए, एक दफा 2 चाहिए, 5 चाहिए, 10 ml तक का है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट 1 ml का भी होता है कि 0.25, 0.5, 0.75, 1, और इसी तरह से ये 10 ml तक का भी पाइपेट होता है। इसको हम कहते हैं दिस इज द मैयरिंग पाइपेट, बी है, दिस इज द मैयरिंग पाइपेट। एंड दिस इज द एडवांस्ड, जिस थोड़ी सी वर्जन है इसके साथ जी इसकी पाइप टिप होती है, ठीक है ना, टिप की बेस पर। बाकी सारा इसमें हम 0.001 से लेकर 1 ml, 100 ml तक भी ट्रांसफर कर सकते हैं, हर किसी की इसकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है। तो ये एपेंड ऑफ पाइपेट भी से कहते हैं, और हम इसको, इसके साथ टिप होती है, टिप की बेस पर हम यहाँ से डिजिटल है यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्शन कर ली कि मैंने 0.1 ट्रांसफर करना है तो इस टिप में आ जाएगा। सब हर अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन जो हमने ट्रांसफर करना है, हमने क्या बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्निक होती है ना बेटा, उसमें बहुत जो है वो माइक्रो लेवल तक भी जाते हैं हम। जीन्स ट्रांसफर वगैरह में हमें इतना माइन्यूट अमाउंट में सोल्यूशन को जो है वो ट्रांसफर करना होता, तो ये नॉर्मली वहां पे हम या हाई टेक में जब HPLC वगैरह यूज करते हैं और हमें कितना सैंपल जो है वो इंट्रोड्यूस कराना है, वहां पे हम ये पाइपेट जो है वो नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। इसको हम डिजिटल पाइपेट कहते हैं। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये नंबर्स आ जाते हैं यहाँ पे कि जितना ट्रांसफर करना है, अकॉर्डिंग टू डैट हम उस साइज की टिप लगा देते हैं इसके। ये जो होती है यहाँ पे टिप ये लहदा से मिलती है, हर साइज की होती है, एक बॉक्स में हम वो टिप इकट्ठी से खरीद लेते हैं, और उसके बाद हमें जो जो ट्रांसफर वॉल्यूम ट्रांसफर करना होता है वो हम ये टिप को चेंज करते हैं, यहाँ से अपना नंबर चेंज करते हैं, हम उसको मैयर कर लेते हैं, मैयर भी कर लेते हैं और फिर इजीली डिलीवर भी कर लेते हैं, ठीक है जी। इससे भी ज्यादा अगर अब HPLC का कॉलम यूज करना है तो वहां पे हम क्या करते हैं, दिस इज द सिरिंज, ये पाइपेट है, ये सिरिंज है कि जहां पे हमने बहुत ही डेलिकेट सा है ये पाइपेट की जो टिप है वो थोड़ी सी, देखिए यहाँ पे इसका जो है डाया वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इसका उससे कम है, इसका उससे कम है, और ये बहुत डेलिकेट सा इसका डायमीटर, बहुत सिरिंज टाइप है। तो हमने जब ट्रांसफर करना है, इन वीवो स्टडी करनी है, तो फिर हम इसको या हम HPLC और जो हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में तो खैर वो पाइप होता है जिस तरह साकिंग होती है, तो वहां पर हम कॉलम GCMS वगैरह में हम इस तरह की सिरिंज यूज करते हैं अपने सैंपल को अपलोड करने के लिए इन द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी। तो दिस वाज द मेयरिंग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, और ये था हमारे पास पाइपेट कि हमने मेयर करना है और ट्रांसफर करना है। अच्छा, एक थर्ड जो ग्लासवेयर है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो यूज होता है, दैट इज द ब्यूरेट। ब्यूरेट से आप सब लोग वाकिफ हो, आप सबने किया हुआ है, ब्यूरेट टाइट्रेशन का काम किया हुआ है। तो टाइट क्या होता है, ब्यूरेट, ब्यूरेट इज अ वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर, ठीक है जी, ये वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर होता है ये। तो यहाँ पे इसका जीरो ऊपर होगा और नीचे जो है वो 25 ml तक है, 75 ml तक है, कितना उसका डायमीटर है। इस ग्लास वेयर यूज टू डिलीवर वेरिएबल, ठीक है ना, हमने उसमें हम ड्रॉप वाइज कहते हैं तो ड्रॉप वाइज है, लेकिन आप में से अक्सर लोग यहाँ से स्टॉप वॉक से उसकी टूटी चला देते हैं और यहाँ पे आपका जो है वो सैंपल जोन सा है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जाने के बजाय वो रनिंग में आ जाता है, ठीक है। तो हमें इसका जो प्रॉपर यूज है वो ये कि आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप ट्रांसफर करना है और अपना जो आपके पास यहाँ पे टाइट्रेशन सॉल्यूशन है, और फिर आपने उसको फ्लास्क में डालते हैं, फिर हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास एक नॉन सॉल्यूशन है, एक अननॉन सॉल्यूशन है, तो कंसंट्रेशन करने के लिए हम नॉर्मली कर रहे होते हैं। तो ब्यूरेट इज अ वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर यूज टू डिलीवर वेरिएबल बट नॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, नॉन वॉल्यूम हमने देखना है कि हमारे पास अगर सपोज हमने नीचे हमारे पास जौन सा है वो 0.5 molar HCl है, ऊपर हमने 0.5 molar सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, तो 1:1 की रेशियो है। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने ये वाला ऊपर सॉल्यूशन 0.5 का है, नीचे भी 0.5 है, तो 1 ml 1 ml के अगेंस्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन दे देगा, लेकिन अगर ये
पॉइंट टू है तो इसकी कितनी कंसंट्रेशन, ऊपर वाले की कंसंट्रेशन भी पता है, वॉल्यूम भी पता होगा, तो हम बहुत इजीली कंसंट्रेशन फार्मूले के थ्रू अननोन कंसंट्रेशन को डिटरमिन कर सकते हैं. इट इज लॉन्ग, इट इज नैरो ट्यूब विद ग्रेजुएटेड, यहाँ पे मार्क्स हैं इसके सारे, एंड अ स्टॉप कॉक फॉर डिस्पेंसिंग द सोल्यूशन. ठीक है जी, तो हमने डिस्पेंस करना है सोल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये इस चीज को जहन में रखना है आपने, तो उससे फिर बड़े अच्छे एंड पॉइंट्स भी अच्छे आते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट जो हमने ड्राइंग का पढ़ा था, हेडिंग के अंदर पढ़ा था, लेकिन ड्राई, हाँ वो था कि अपरेटस को अपने वॉश करना है फिर ड्राई भी करना है ना, तो अब ये इक्विपमेंट फॉर ड्राइंग, ड्राइंग के लिए अब हमने कौन सा इक्विपमेंट का वर्ड आ गया. ठीक है, तो इक्विपमेंट में रिएजेंट्स, प्रेसिपिटेट्स एंड ग्लासवेयर आर कन्वीनियंटली ड्राइड इन एन ओवन एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड. ओवन, हम हर लैब में ओवन मौजूद होता है, आपने अपने जब भी यूज करना है तो हाइग्रोस्कोपिक है ना हमारी इन्वायरमेंट, तो वाटर जो आप टैप को जब मैंने पिछली बार बताया बॉटल खोल देंगे तो उसके अंदर भी वाटर के मालिक्यूल्स चले जाएंगे. और आपने मेडिसिन में देखा होगा कि सिलिका जेल की छोटी छोटी सी वो पैकेट से बने हुए होते हैं, वो डालते हैं ताकि वो मॉइस्चर को वो सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर ले और उसकी केमिस्ट्री खराब ना हो आपकी मेडिसिन की, आपके केमिकल्स की, आपके शूज के अंदर, शूज बॉक्स के अंदर भी डले हुए होते हैं. तो अब वो सारे काम क्या कर रहा होता है, वो बेसिकली हाइड्रोस्कोपिक जो मॉइस्चर है वो उसने उसको एब्जॉर्ब करना है. ठीक है ना, तो ड्राइंग के लिए नॉर्मली क्या है, ओवन है. हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजीली जो है वो उससे वाटर को रिमूव कर लेते हैं, उसको उसकी मॉइस्चर को खत्म कर सकते हैं. मैनी मटीरियल्स नीड टू बी ड्राइड प्रायर टू देयर एनालिसिस टू रिमूव रेजिडुअल मॉइस्चर. समझ आ गई ना बात की, अब डिपेंड पे मटीरियल पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो उसका कितना टेम्परेचर है ना. लेकिन अगर सपोज आपको मैं ऑर्गेनिक बेंजीन, तो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो तो 60 होगा, उसके लिए आप वो यूज नहीं करोगे. आपने देखना है कि केमिकल की नेचर क्या है, बहुत जो है ना वो एहतियात के साथ, ये ना हो गया वो जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत थोड़ा हो और उस बॉइलिंग पॉइंट पे आप उसको हीट करो वो टोटली डी नेचर हो जाए. ठीक हो गया, तो डिपेंडिंग ऑन द मटीरियल हीटिंग टू अ टेम्परेचर ऑफ 110 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड इज यूजली सफिशियंट. अदर मटीरियल नीड टू बी हाई हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर टू इनिशियल थर्मल डिकम्पोजिशन. तो इससे ऊपर अगर हम जाते हैं लेबॉरेटरी ओवन के जो रेंज है वो होती है तकरीबन 325 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड, पास ओवन जो है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी मिल जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल यहाँ लिखा हुआ है जैसा कि. तो कमर्शियल लेबॉरेटरी ओवन आर यूज व्हेन द मैक्सिमम डिजायर्ड टेम्परेचर इज 160 से 325 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर टेम्परेचर अप टू 1700 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें हमने सारी कार्बन जो सी ऑर्गेनिक कार्बन, इनऑर्गेनिक कार्बन, सारी कार्बन को बर्न कर देना. अब ये ड्राइंग नहीं है बेसिकली, इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसमें हम उसको कहते हैं कि एशिंग का प्रोसेस है. अब हमने उसमें सिर्फ ऐश रहने देनी है और बाकी सारा जो सा उसमें कार्बन है, चाहे वो ऑर्गेनिक है चाहे वो इनऑर्गेनिक है, टोटल कार्बन जो है उसका जो ऑर्गेनिक पोर्शन है वो टोटली बर्न कर देना है. तब हम क्या यूज करते हैं, देन वी विल यूज द मफल फर्नेस. ठीक है जी, मफल फर्नेस का टेम्परेचर रेंज क्या है, 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जाती है. अगर आपने काम करना है अबव 500 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अब ओवन नहीं कहेंगे, अब हम उसको मफल फर्नेस कहेंगे. ठीक है, ये है जी हमारे पास, ये है ओवन जो आपकी हर लैब में तकरीबन मौजूद है. ये आप इसके ऊपर जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर, चाइना डिश के ऊपर भी रख के यूज कर सकते हो. अपने सैंपल को रखेंगे, अपने ऑपरेटर्स को, आपका जो ग्लासवेयर है उसको भी वॉश करके इसके अंदर रख सकते हैं. लेकिन ये इसकी सफाई का खास ख्याल रखना है, जिसने यूज करना है उसने यूज करने से पहले भी देखना है उसका फैन ऑन करना या नहीं करना. इन सब चीजों को जहन में रख के फिर आपने, ये कन्वेंशनल लेबॉरेटरी ओवन है That is used for drying material. और ये मफल फर्नेस है. ठीक है जी, मफल फर्नेस का टेम्परेचर बहुत हाई कहाँ तक जाना है, 1100 से लेकर 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना है. और ये तब कब हमने यूज करना है, when we want the, when we want to determine the ash content of the sample. जब हमने उसका टोटल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब कार्बन खत्म कर देंगे तो पीछे जो चीज बचेगी डेट इज द ऐश, और उसको डिटर्मिन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मफल फर्नेस. ठीक है जी, आफ्टर, अच्छा अब क्या है कि सैंपल, सपोज मेरे पास एक सैंपल है, मेरे पास कोई सा एग्रो वेस्ट है
जिस तरह आप कॉर्न को कह सकते हो, राइसस कह सकते हो, या कोई कोल का ऐसा मटेरियल है, उसका मैंने डिटर्मिन करना है कि इसके अंदर कितनी ऐश है, तो मैं क्या करूंगी, मैं या कितना इसके अंदर मॉइस्चर है, तो उस मॉइस्चर के लिए मैं उसे 110 पे या 140 पे यहाँ पे अवन में हीट करूंगी, और उसके बाद फिर मैं उसको हीट करती रहूंगी जब तक कि मेरे पास कांस्टेंट वेट नहीं आ जाता ना। एक दफा हीट करूंगी, सपोज वेट आ गया जो है वो टू, मैंने पहले 2 लिया था, वो 1.8 आ गया, फिर मैंने किया तो 1.78 आ गया, फिर किया तो 1.77 आ गया, तो इसका मतलब अभी चेंज हो रहा है, जितनी दफा मैं कर रही हूँ वो चेंज हो रहा है। मैंने इसको तब तक प्रोसेस को रिपीट करना होता है टिल द कांस्टेंट वेट ना मेरे पास आ जाए, कि मैंने जब एक दफा उसको इसके अंदर हाफ एन आवर के लिए रखा तो मेरे पास 1.77 आ गया, फिर मैंने हाफ एन आवर के लिए रखा फिर 1.77 आ गया, देन इट मींस कि टोटल जो इसके अंदर मॉइस्चर है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। तो अगर मैंने उसका फिर फर्दर एश डिटरमिन करनी है, तो मैं फिर इसको 1200 पे, 1100 पे, जितनी भी इसकी रेंज है, जितना भी आपके प्रोटोकॉल में बताया, फिर मैं मफल फर्नेस को यूज करूंगी। और उसके बाद ये नहीं कि आपने सैंपल निकाला, सैंपल निकाल के और उसको फिर आपने खुला एयर में, ऐसे नहीं करना, फिर आपने उसको प्रॉपर तरीके से डेसिकेटर, वर्ड आपने कई दफा सुना होगा, पढ़ा होगा और देखा होगा, ये डेसिकेटर होता है, ठीक है ना। डेसिकेटर के अंदर वही जो सिलिका जेल या कैल्शियम कार्बोनेट क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड हम ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं, नीचे यहाँ पे डाल देते हैं, हम इसके ऊपर अपना सैंपल रख देते हैं, ये है परफोरेटेड मैश के, यहाँ से जो है इसके अंदर जितनी भी एयर होगी वो सारा ये सिलिका जेल या ये कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेगा, अंदर की इन्वायरमेंट टोटली ड्राई है, जब आप इसके अंदर अपना सैंपल ऐड करोगे तो वो अवन से निकालने के बाद या मफल फंडे से निकालने के बाद, तो फर्दर वो दोबारा अगर डेसिकेटर में रखा होगा तो वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होगा। आफ्टर ड्राइंग और डिकम्पोजिंग अ सैंपल इट शुड बी कूल टू रूम टेम्परेचर इन अ डेसिकेटर टू अवॉइड द रीएडसॉर्प्शन ऑफ द मॉइस्चर, ठीक है जी। और इसको हम डेसिकेटर कहते हैं, और उस एजेंट को, ड्राइंग एजेंट को डेसिकेंट कहते हैं। इट इज प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, द टिपिकल डेसिकेंट इंक्लूड कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल, ओके गॉट इट। अच्छा, ये ऑर्डिनरी डेसिकेटर है, यहाँ पे इसकी जोन से है, यहाँ पर एक ये लगा हुआ है बाहर की तरफ, इसके एक हैंड लगा हुआ है, यहाँ से वैक्यूम डेसिकेटर है कि हम इसको वैक्यूम से अटैच करके अंदर से सारी एयर को वो एब्जॉर्ब कर लेगी, तो ये ज्यादा थोड़ा सा उसकी निस्बत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, ये थी वॉल्यूमेट्रिक क्लास। अब अगर आपके सैंपल में जो है वो प्रेसिपिटेट ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आ रहे हैं, प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, तो प्रेसिपिटेट्स के केस में आपने क्या करना होता है, प्रेसिपिटेट के केस में आपने फिल्टर करने होते हैं प्रेसिपिटेट्स, ठीक है ना। तो फिल्टर करने के लिए आपके पास जो प्रेसिपिटेट्स आते हैं उनको आप क्या कहते हैं, उनको आप प्रेसिपिटेट्स, जो लिक्विड फ्रॉम विच अ सब्सटेंस प्रेसिपिटेट्स और क्रिस्टलाइज इज कॉल्ड द मदर लिक्विड, उसको हम मदर लिक्विड कहते हैं, और दूसरे को प्रेसिपिटेट्स कहते हैं, या फिल्टर और फिल्ट्रेट, लिक्विड दैट पासिस थ्रू द फिल्टर, फिल्टर पेपर से कहते हैं, या वैक्यूम फिल्टर भी होता है उसको हम फिल्ट्रेट कह देते हैं, जो लिक्विड पास ऑन हो जाता है वो फिल्ट्रेट होता है, और ऊपर आपके पास प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं, ठीक है जी। ये देखिएगा, ये है आपको पूरा सेटअप फिल्टर करने का, ये आपके पास सोल्यूशन है, बीकर विद प्रेसिपिटेट एंड द मदर लिक्विड, यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स डेवलप हो गए हैं, आपने इसको फिल्टर लैदा करना है, नीचे आप इसको रिसीविंग बीकर लेंगे, ऊपर आप यहाँ पर या फ्लास्क भी आप ले सकते हैं, और उससे ऊपर आपने यहाँ पे ये फनल लगाई, फनल के ऊपर आपने फिल्टर पेपर लगाया, फिल्टर पेपर के लिए क्या है, फिल्टर पेपर को आपने टूटा पहले यहाँ पे शायद आ जाओ, हाँ जी, ये इसकी फोल्डिंग, वन फोल्डिंग करेंगे आप, ये इसको 4 टाइम्स फोल्ड करेंगे, फिर कहते हैं थोड़ा सा इसका हिस्सा थोड़ा सा टियर कर लें आप, तो टियर ऑफ करने की वजह से उसकी अच्छी सेटिंग होगी फिल्टर पेपर की, जिसकी वजह से आपका जो ये है ना अनब्रेकेबल जो ट्रांसफर है वो, अगर यहाँ से वो फिल्टर पेपर अच्छे से यहाँ पे प्रेस नहीं होगा फनल के साथ, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ब्रोकन स्ट्रीम बनेगी, प्रेशर सही से फॉल नहीं करेगा इसकी वॉल्स के साथ, फनल की वॉल्स के साथ, तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ब्रोकन लिक्विड स्ट्रीम जाएगी, और अगर वो सही बिल्कुल फिट हुआ हुआ है तो फिर अनब्रोकन लिक्विड स्ट्रीम, इफ फिल्टर पेपर इज प्रॉपरली सील्ड ऑन द फनल, गॉट इट। तो फोल्डिंग फिल्टर पेपर, ये फिल्टर करना है हमने ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में, फोल्ड इसका तरीका बता दिया उसने कि फोल्ड द पेपर इन हाफ, देन फोल्ड इट इन हाफ अगेन, देन टियर ऑफ द कॉर्नर,
then open the side that was not torn when fitting the paper in the funnel. वहां से आपने उसके ऊपर स्टार्ट करना. अच्छा नेक्स्ट क्या काम है कि अब ये जो भी आपने काम करना है, अभी जो हमने बताया कि मैयर करना है, सॉल्यूशंस बनाने हैं, तो सॉल्यूशंस की कितनी टाइप है. पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो रिएजेंट हैं वो क्या थे, वो कमर्शियल ग्रेड था या एनालिटिकल ग्रेड था. आज हमने के जो सॉल्यूशन बनाना है उनसे, चाहे वो कमर्शियल ग्रेड है चाहे वो एनालिटिकल ग्रेड है, अगर आपको मैं कहती हूँ कि आपने सपोज 0.01 मोलर जोन सा है वो बनाना है सॉल्यूशन, तो अब आपको कितना मैयर करना पड़ेगा मास. सपोज अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो 1 मोलर के लिए 40 ग्राम पर लीटर, और अगर वो 0.01 है, 0.1 करना पड़ेगा, तो आप इसको 0.5 मैयर करेंगे या 0.04 मैयर करेंगे या 0.04. तो जितनी अमाउंट कम होती जाएगी आपका जो केमिकल सब्सटेंस है वो उतना ही थोड़ी अमाउंट में जब आप उसको मैयर करेंगे तो उसमें जो चांसेस हैं वो एरर के चांसेस हैं वो ज्यादा होते जाएंगे. तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसका स्टॉक सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है ना. तो स्टॉक सॉल्यूशन से क्या होता है कि मैंने सपोज 1 मोलर बना लिया या 0.5 मोलर सॉल्यूशन बना लिया, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे उसकी सपोज अगर मैंने 40 ग्राम पर लीटर लेना है, तो मैं 500 ml में बनाती हूँ तो मुझे 20 लेना पड़ेगा. मैं 250 ml बना लेती हूँ तो मैं 10 ग्राम पर 250 ml लूंगी, तो वही 1 मोलर सोल्यूशन होगा. इसका मैंने क्या बना लिया, स्टॉक सोल्यूशन बना लिया. स्टॉक सोल्यूशन जो है इज प्रिपेयर्ड बाय वेइंग आउट एन अप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ अ प्योर सॉलिड और बाय मेजरिंग आउट एन अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ अ प्योर लिक्विड एंड डाइल्यूटिंग टू ए नॉन वॉल्यूम. ठीक है जी, डाइल्यूटिंग टू ए नॉन वॉल्यूम, उसको उसके हमने डाइल, तो इसको हम कहेंगे दिस इज द स्टॉक सॉल्यूशन. ठीक है, एक दफा स्टॉक सॉल्यूशन बना हुआ होगा और जब भी आपने यूज करना है, फिर आपने 0.5 का बनाना है, 0.025 का बनाना है, 0.0275 का बनाना है या 0.7 का बनाना है, जो भी आपको डाइल्यूशन दी जाएगी आप जस्ट वो M1V1 इज इक्वल M2V2 वाला फार्मूला लगाओगे, देखोगे कि स्टॉक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन M1 जोन से वो 0.5 है, तो आप उसका कितना वॉल्यूम लोगे, आपके पास 0.25 मोलर 100 ml सॉल्यूशन बन जाए. ठीक है, तो वो आपके बहुत इजी हो जाता है. इसलिए प्रॉपर काम करने के लिए हमें हर काम से पहले, हर एनालिसिस से पहले जो भी आपको एनालाइज करना है उसका स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है. गॉट इट. तो स्टॉक सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय वेइंग आउट एन एप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ अ प्योर लिक्विड और बाय मेजरिंग आउट एन एप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ अ प्योर लिक्विड एंड डाइल्यूटिंग टू ए नॉन वॉल्यूम. देन अपने फर्दर उसकी डाइल्यूशन अगर तैयार करनी है, तो डाइल्यूशन सॉल्यूशंस क्या है, विद स्मॉल कंसंट्रेशंस आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग अ मोर कंसंट्रेटेड स्टॉक सॉल्यूशन. तो ये जो स्टॉक सॉल्यूशन होगा ये कंसंट्रेटेड होगा जब हम इसमें से थोड़ी थोड़ी अमाउंट लेकर उसे उसमें नॉन क्वांटिटी के सॉल्वेंट डालते जाएंगे, तो उस क्या होता जाएगा, उसकी डाइल्यूशंस होती जाएंगी. ठीक है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से स्टॉक सॉल्यूशन से हम डाइल्यूट सॉल्यूशन से डाइल्यूशन तैयार कर लेते हैं. अ नॉन वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक सॉल्यूशन इज ट्रांसफर्ड टू ए न्यू कंटेनर एंड ब्राउट टू अ न्यू वॉल्यूम. तो इन दिस वे वी प्रिपेयर द डाइल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन. अच्छा जी, अब ये है कि हमारे पास कौन से मेथड्स हैं, वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस, टाइट्रीमेट्रिक मेथड. द टर्म टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस रेफर्स टू क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस कैरिड आउट बाय डिटरमिनिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नॉन कंसंट्रेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट क्वांटिटेटिवली विद द मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू बी डिटरमिन्ड. समझ आ गई आपको कि एक हमारे पास जिसकी हमें कंसंट्रेशन डिटरमिन नहीं है, उसकी जिसकी हम डिटरमिन करना चाहते हैं, उसको हम क्वांटिटेटिवली एनालाइज करते हैं किस के साथ, किसी ऐसे सॉल्यूशन के साथ जिसके वॉल्यूम और जिसकी क्वांटिटी कंसंट्रेशन हमें नॉन होगी. द सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नॉन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. जिसकी हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल नॉन होगी, उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. Got it? अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, द टर्म वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाज यूज्ड
for this form of quantitative determination, but it has now been replaced by titrimetric analysis. Quantitative analysis को हमने क्या कह दिया, volumetric analysis को हमने replace कर दिया है titrimetric analysis से. The reagent of the known concentration is called titrant. जो आपके पास burette में होगा उसे क्या कहेंगे, titrant. And the substance being titrated is termed as titrant. ठीक है, जो नीचे कॉनिकल फ्लास्क में होगा उसको हम क्या कहेंगे, टाइट्रेंट. अब जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो जिसने मैंने अभी बताया था कि हम उसको स्टॉक सॉल्यूशन पहले उसका बनाते हैं, फिर हमने फर्दर डाइल्यूशन करनी है तो वो डाइल्यूशन कर लेंगे. तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम, द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज एड फ्रॉम अ लॉन्ग ग्रेजुएटेड ट्यूब कॉल्ड ब्यूरेट. The process of adding the standard solution until the reaction is just complete is termed titration. The point at which this occur is called equivalence point, equilibrium. जहाँ पर आ जाता है, जहाँ पे end point आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, equivalence point. और the theoretical में हम इसको क्या कहते हैं, stoichiometric end point. ठीक है ना, जब हम suppose हम acid base titration है, one mole sodium, one mole HCl का, तो एक मोल हमारे पास बन जाएगा सोडियम क्लोराइड का और वन मोल जो है वो वाटर का बन जाएगा. तो ये स्टोइकोमेट्रिक, अब हमने इसको आया ये वाकई ही वन और वन मोल रिएक्ट कर रहा है, क्या एक मोल इक्वल कंसेंट्रेशन का रिएक्ट करता है, 0.5 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.5 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है. तो हम दोनों की सेम कंसेंट्रेशन के साथ 1 ml 10 ml एक लिया, 10 ml ही दूसरा, 10 ml ही यूज होता है, या जितना प्लस माइनस होगा वो क्या होगा, वो एरर होगा इन दी कंसेंट्रेशन ऑफ द एसिड. ठीक हो गया, तो वो जो पॉइंट आता है जहाँ पे लाइट पिंक कलर आता है, फिनोक्लीन को हम यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर. क्यों, क्योंकि अब इंडिकेटर बेसिकली क्या है, इंडिकेटर हम एसिड पे टाइट्रेशन कर रहे हैं तो देखिए एक तरफ एसिड है एक तरफ बेस है, तो क्या होगा कि अगर वो जो फिनोफ्थलीन है अगर आप उसका फार्मूला देखेंगे तो वो एसिड में कौन सा है उसका कलर चेंज होगा और बेस में उसका कलर डिफरेंट होगा. जैसे ही आप उसके अंदर थोड़ा सा बेस डालते हो वो पिंक अपीयर होता है और फिर वो डिसअपीयर हो जाता है. वो क्यों डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि नीचे आपके पास जो एसिड है एसिड में इट इज कलरलेस. ठीक है ना, जो इसकी कॉन्जुगेशन है वो कलर्ड में नहीं आती, जो फिनोफ्थलीन का फार्मूला है उसमें कॉन्जुगेशन इतनी नहीं होती कि वो आपके कलर रीजन की तरफ फॉरवर्ड करे. लेकिन जब आप ऊपर से बेस डालते हैं तो बेस में उस फिनोफ्थलीन का जो आपने एक या दो ड्रॉप डाले होते हैं तो पिंक कलर अपीयर हो जाता है. पिंक कलर जैसे ही वो एसिड जोन सा है वो अवेलेबल बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है वो फिर कलरलेस हो जाता है. लेकिन विद द वन ड्रॉप, जब वो एक ड्रॉप जब आप डालोगे, जब सारा एसिड जो सारे बेस से रिएक्ट कर चुका है, देन वन ड्रॉप जो एक्स्ट्रा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसकी वजह से जो पिंक लाइट पिंक कलर है वो परसिस्ट करता है. ठीक है जी, तो इन दिस वे इंडिकेटर वर्क्स और गिव अस द इक्विवेलेंट पॉइंट. अल्टरनेटिवली सम अदर फिजिकल पैरामीटर्स में आल्सो बी यूज्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस एंड द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज प्रैक्टिकली कंप्लीट. द इंडिकेटर शुड गिव अ क्लियर विजुअल चेंज. मैंने अभी बताया कि अगर हम सिंपल, मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर की है एसिड बेस टाइट्रेशन की, तो एंड द पॉइंट एट विच दिस अकर्स इज कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन. इन द आइडियल टाइट्रेशन द विजिबल एंड पॉइंट विल कंसाइड विद द स्टोइकोमेट्रिक और थ्योरेटिकल एंड पॉइंट. ठीक है ना, मैंने अभी जैसे बात की थी कि अगर वन वन की रेशियो के साथ है, वन मोल रिएजेंट एसिडिक रिएजेंट रिएक्ट विद वन मोल बेस, तो वो आपके पास वन मोल ही होना चाहिए. जो प्लस माइनस आएगा वो क्या होगा, वो एरर होगा. वो टाइट्रेशन हमने की इसलिए ताकि हम उसके एग्जैक्ट कंसेंट्रेशन डिटरमिन कर सकें और फिर हम उसको देंगे तो कितना वो उसे वेरी कर रहा है. द इंडिकेटर एंड द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस शुड बी सो सिलेक्टेड दैट द डिफरेंस बिटवीन द विजिबल एंड द एंड पॉइंट एंड द इक्विवेलेंस एंड पॉइंट इज एज स्मॉल एज पॉसिबल. हमें वो करना है जहाँ पे एरर मिनिमम आए. हमें इस तरह से वेइंग करनी है, हमने अगर वेइंग ठीक की होगी, हमने वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन बनाने के लिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज की होगी, ट्रांसफर करने के लिए पाइपेट यूज किया होगा एग्जैक्ट मेजरिंग वाला, तो फिर हमारे जो थ्योरेटिकल वैल्यू है डेट विल बी इक्वल टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. लेकिन अगर वही आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज नहीं की, आपने अल्लरमेयर फ्लास्क यूज किया, आपने कोई सिलेंडर यूज किया जो कि इतना एक्यूरेट नहीं था,
तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास थोड़ा सा एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट काम करने के लिए एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट ग्लासवेयर यूज करना है और एग्जैक्ट स्टैंडर्ड और स्टॉक सॉल्यूशन बनाने हैं, देन यू विल बी एबल टू कैरी आउट दिस स्मॉल, जिसको अभी आप लोगों ने मैट्रिक में भी किया होगा, एफएससी में भी किया होगा, अभी भी पिछले 4 सेमेस्टर में आपने ये टाइट्रेशंस की होंगी, लेकिन रिजल्ट्स एरर के साथ हमेशा आते हैं क्योंकि हम इन छोटे छोटे पॉइंट्स को वेटेज नहीं दे रहे होते। For use in titrometric analysis, a reaction must have the following condition. There must be simple reaction. क्या हमें उसकी equation भी हम लिख सकते हैं, which can be expressed by the chemical equation. The substance to be determined should react completely with the reagent in stoichiometric or equivalence point. हमें पता चला हो कि 1:1 की ratio है, 1:2 की है, 1:6 की है, तो ये सारी हमें उसकी chemical equation पता हो कि हम किस के दरमियान reaction करवा रहे हैं. The reaction should be relatively fast. Most ionic reaction satisfies this condition. Organic जो reactions होते हैं उसमें क्या होता है कि reaction बहुत slow होता है, तो वो उनके लिए हम titration को apply नहीं कर सकते। जो हमारे पास inorganic chemistry है normally वहाँ पर हम इनको use कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो क्योंकि ionic compound होते हैं वो तेज ions जो हैं वो जल्दी से react कर लेते हैं। तो in some cases the addition of a catalyst may be necessary to increase the speed of the reaction. There must be an alteration in some physical and chemical property of a solution at the equivalence point. Physical या chemical property change होती है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप कोई से दो reagents को डाल रहे हो, किसी भी दो reagents का reaction करवा रहे हो, तो उसके दरमियान में अचानक से आपको कैसे पता चलता है कोई नई चीज बन गई या नहीं बन गई, क्योंकि हमें पहले हमने literature survey किया होता है कि जब दोनों react करेंगी तो आया precipitates appear होंगे, कोई coloration appear होगी, या क्या उसके साथ कोई cloud निकलेगा, कोई gas emit होगी, तो कोई ना कोई physical chemical property change होती है, वो हमें पता होनी चाहिए कि जो हम दो reagents को react करवा रहे हैं तो उसका उनका interaction किस तरह का है। An indicator should be available which by a change in physical property पे क्या जगह या color change होगा या precipitate बनेगा, तो जिसकी बेस पर हम उसका एंड पॉइंट जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास टाइट्रेशन के डिफरेंट पास्टुलेट्स, किस तरह से टाइट्रेंड क्या होता है, टाइट्रेंड क्या होता है, ग्लासवेयर कौन सा है हमारे पास। तो आप ये फर्दर इन्हीं को फर्दर डिफाइन किया है कि टाइट्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच स्टैंडर्ड रिएजेंट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ एन एनालाइट अंटिल द रिएक्शन बिटवीन The analyte and the reagent is complete. Equivalence point and end point क्या होता है? The equivalence point of a titration is a theoretical point that cannot be determined experimentally. Instead, we can only estimate its position by observing some physical chemical change associated with the condition of equivalence. This change is called the end point for titration. Titration error क्या है कि जो difference है between the observed end point and the true equivalence point in the titration, इसको हम कहते हैं titration error. Indicator क्या है? Indicator आप naphthalene, methyl orange, iridochrome black tea वगैरह वगैरह, these are the different indicators जो कि different pH के लिए, different pH पे उनका different color होगा, जिसकी base पर हम उसे indicator use कहते हैं. Indicator are often added to the analyte solution in order to give an observable physical change at or near the equivalence point. In other words, कहते हैं कि indicator is a compound having a physical property that changes abruptly near the equivalence point of a chemical reaction. End point को अगर हमने कैसे define करना है कि end point of in our volumetric analysis, detection of an end point involves the observation of some property of the solution that change in a characteristic way at or near the equivalence point. ठीक है जी, near या at the equivalence point जो भी observable change property होगी, जो property जो change होगी उसको हम कहेंगे end point detection. Detecting quantity, the properties that have been used for this purpose क्या है कि यहाँ तो color change होता है, color due to reagent, the substance being determined or an indicator substance, किसी चीज का भी, अगर वो substance itself change कर लेता है तो फिर indicator डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं change करता तो फिर हमें उसके अंदर indicator डाला है। फिर turbidity change भी हो सकती है, electric conductivity भी solution की हो सकती है, electric
टाइट्रेशन भी होती है इलेक्ट्रॉनिक की, जिसकी वजह से हम देखते हैं करंट पास हो रहा है नहीं हो रहा, कितने के बाद हम इसको जो है वो डिटरमिन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन द सोल्यूशन वो भी हो सकती है आपके पास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सोल्यूशन भी हो सकता है, टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन भी, अगर उसमें टेम्परेचर एकदम से चेंज हो जाता है, या इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द सोल्यूशन के पहले वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं था लेकिन जब हमने उसे सब्जेक्ट किया वो इलेक्ट्रोलाइट बन गया, उसके बाद से इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो गया। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज जो हम यूज कर सकते हैं टाइटोमेट्रिक एनालिसिस में, क्या करने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एज एन एंड पॉइंट। तो क्या क्या है मैं रिपीट करती हूँ, कलर, टर्बिडिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रोड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सोल्यूशन के टाइट्रेशन से पहले टाइट्रेशन के बाद उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेसिकली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूशन, क्या करने की प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूशन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है ना। टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन भी चेंज हो सकता है एंड दैन क्या है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो कि हम एज एन एंड पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद ये हमने पढ़ा था कि हमारे पास सॉल्यूशंस कौन से हैं, वो कितनी तरह के होते हैं, वो सॉरी रिएजेंट्स हमने कहा था कमर्शियल ग्रेड, स्टैंडर्ड ग्रेड। अच्छा अब स्टैंडर्ड ग्रेड का भी सॉल्यूशन जब लेना ना, तो अगर उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है, रिएजेंट की ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो हाइग्रोस्कोपिक है, तो वो जल्दी से अपनी केमिस्ट्री चेंज कर लेगा। इसके लिए हमने क्या करना होता है कि हमने अब जब भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है, स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है, तो हमने उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ उसकी कैलिब्रेशन कर लेनी है, ठीक है ना। अपने जो स्टॉक सॉल्यूशन हमने बनाया है, अगर मैंने वन मोलर बनाया है तो क्या वो वाकई वन मोलर है, अगर मैंने जिंक सल्फेट हेक्साहाइड्रेटेड है तो क्या वो वाकई ही इतने मोलर है। इसको करने के लिए मैं उसको किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से टाइट्रेशन करके देखूंगी, ठीक है जी। अब तो सॉल्यूशंस जो है, एक तो स्टॉक सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो स्टॉक सॉल्यूशन है उनकी कैलिब्रेशन के लिए हमने क्या करना होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस यूज करते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हाईली प्योरिफाइड कंपाउंड दैट सर्व एज अ रेफरेंस मटेरियल इन ऑल वॉल्यूमेट्रिक मेथड। The accuracy of the method is critically depend on the properties of the compound. हमें पता है इस बात, ठीक है ना, कि किसी भी method की, किसी भी instrument की, किसी भी experiment की जो accuracy है वो depend कर रही होती है properties पर। अगर वो बहुत ज्यादा hygroscopic है, बहुत ज्यादा उसके अंदर solubility उसकी जल्दी से change हो जाती है, या whatever उसकी कोई ऐसी property है जिसकी वजह से कि वो अपना केमिस्ट्री चेंज कर लेता है, तो हमें उसे प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ बनाने के बाद उसको कैलिब्रेशन करना है, किसके साथ, प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ। वो बहुत हाई, उनकी क्या प्रॉपर्टी है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की, हाईली प्योरिफाइड है, स्टेबल है सॉरी एयर की तरफ, एब्सेंस ऑफ हाइड्रेटेड वाटर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर भी नहीं है, रेडी अवेलेबिलिटी एट मॉडेस्ट कॉस्ट, बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं, क्योंकि हर सोल्यूशन को अगर हमें चेक करना है तो मॉडेस्ट कॉस्ट होगी तो हमारे लिए पॉसिबल होगा ना। रीजनेबल सॉलिबिलिटी इन टाइट्रेशन मीडियम, सॉलिबिलिटी भी ठीक होगी तो हम इसको प्योर सोल्यूशन बना सकेंगे ना। रीजनेबली लार्ज मोलर मास सो डेट द रिलेटिव एरर एसोसिएटेड विद द वेइंग, जिसकी वजह से वेइंग को अगर बहुत स्मॉल एरर होगा तो जो एरर आ जाएगा विद रेफरेंस टू द वेइंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना। उसको मिनिमाइज करने के लिए उसका जो मास है, मोलर मास इतना होना चाहिए कि वो इजीली वेएबल हो। कंपाउंड दैट मीट और इवन अप्रोच दीज क्राइटेरिया बहुत थोड़े से हैं, जो कि प्योर भी हैं, जो कि एयर की तरफ, लाइट की तरफ जो है उनकी स्टेबिलिटी मैटर नहीं करती। मैंने आपने देखा बात केमिकल्स कौन से, आप सिरप भी आप बाजार से लेकर आते हैं, ब्राउन कलर की बॉटल होती है ना, ब्राउन बॉटल्स क्यों होती हैं, वो वाइट क्यों नहीं होती, ब्राउन क्यों हम करते हैं, ताकि लाइट जब उस पर पड़े तो लाइट की वजह से वो डिकम्पोज ना हो उसका केमिकल फार्मूला, इसलिए हम ब्राउन बॉटल्स में, जो आपने केमिकल रिएजेंट बॉटल देखी है वो भी ब्राउन बॉटल्स में हमारे केमिकल्स आते हैं, ठीक हो गया। तो ये बहुत थोड़े से होते हैं, जो इस तरह के होते हैं उनको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए हमें क्या करते हैं, हम इसको कैलिब्रेट करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड से, सॉरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड को कैलिब्रेट करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड से। इज अ कंपाउंड हुज प्योरिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय केमिकल एनालिसिस एंड सर्व एज अ रेफरेंस मटेरियल फॉर टाइट्रोमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस। इसका स्टॉक सॉल्यूशन बनाया और उसको बनाने के बाद मैंने क्या करना है, प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ कैलिब्रेट कर लेना है।
सपोज वो कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या HCl हाइग्रोस्कोपिक है, मैं जैसे ही 1 मोलर बनाऊंगी थोड़ी देर के बाद उनकी मोलैरिटी चेंज हुई होगी, इसको करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं पहले बनाऊंगी, उसके बाद जब मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही हूँ फर्दर कंफर्म करने के लिए मैं इसको कैलिब्रेट करूंगी, कैलिब्रेट किसके साथ करूंगी, पोटासियम हाइड्रोजन फैलेट, तो ये क्या करेगा, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है, पोटासियम हाइड्रोजन फैलेट जो है ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, इसकी इसकी जो केमिस्ट्री है वो स्टेबल है, वो एयर से वाटर से टेम्परेचर से डिकम्पोज नहीं होती, तो इसकी वजह से मैं पहले उसको कैलिब्रेट कर लूंगी सोडियम के, मैंने जो 0.1 मोलर बनाया वो वाकई 0.1 मोलर है या नहीं है, ठीक हो जी। तो द स्टैंडर्डाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड होगा, और जो पोटासियम हाइड्रोजन फैलेट है ये प्राइमरी स्टैंडर्ड होगा जो कैलिब्रेशन के लिए यूज करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज अ रिएजेंट ऑफ एग्जैक्टली नोन कंसेंट्रेशन, 0.1 मोलर मैंने यूज किया सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको मैंने पहले कैलिब्रेट कर लिया है इसके साथ पोटासियम हाइड्रोजन फैलेट के साथ, तो नाउ दिस इज, इसकी मुझे वॉल्यूम भी पता होगा कि मैंने 10 ml ट्रांसफर किया है या 5 ml ट्रांसफर किया या 0.5 ml ट्रांसफर किया, तो ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है जिसकी एग्जैक्ट कंसेंट्रेशन भी मुझे पता है, वॉल्यूम भी पता है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्ले सेंट्रल रोल इन ऑल टाइट्रोमेट्रिक मैथड, देयरफॉर वी नीड टू कंसिडर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज फॉर सच सोल्यूशन, how they are prepared and how their concentration are expressed. Desirable properties क्या है कि स्टेबल होना चाहिए, जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता हो, react rapidly with the analyte so that the time required between addition of reagent is minimized, जिससे मैंने भी कहा कि analytical जो ionic compounds हैं वो तेजी से react कर लेते हैं, react more or less completely with the analyte so that satisfactory endpoint जो है वो रियलाइज टू अंडरगो सेलेक्टिव रिएक्शन विद द एनालाइट दैट कैन बी डिजायरेबल बाय सिंपल बैलेंस्ड इक्वेशन, फ्यू रिएजेंट्स मीट ऑल दीज आइडियल कंडीशंस परफेक्टली, ठीक हो गया जी। दीज आर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, अब इनको एस्टैब्लिश करने के मेथड्स हैं कि हम कौन कौन से मेथड्स, डायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए अब आपके पास जौन से हैं वो हमने क्या पढ़ा, हमने बेसिक टूल्स में देखा मेयरिंग, मेयरिंग के बाद फ्लास्क को सॉल्यूशंस कैसे बना, सॉल्यूशंस के लिए कौन कौन से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, और इंस्ट्रूमेंट के बाद हमने देखा कि सॉल्यूशन कितनी तरह के हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन, डाइल्यूशन, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए टाइट्रेशन में क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, और इन द एंड के कौन कौन से जो है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन और प्राइमरी स्टैंडर्ड या सेकेंडरी स्टैंडर्ड कौन कौन से सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो टुमारो वी विल गो अहेड और फिर हम उसमें देखेंगे कि कंसेंट्रेशन जो है उसको कौन कौन से मेथड से हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के एक्सप्रेस करें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आप में से इसको जिसको कोई भी इसमें कंफ्यूजन होगी वो मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर कर दे, ठीक है जी। Thank you very much. Love is.